केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को भारत के सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन के लिए राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनडीए और नेवल एकेडमी में महिलाओं को दाखिला मिलेगा और इसके लिए उनकी ओर से नीति और प्रक्रिया तय की जा रही है। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है कि रक्षा सेनाओं के प्रमुख और सरकार ने आपसी बैठक में यह तय किया है कि अब महिलाओं को एनडीए और नेवल एकेडमी में प्रशिक्षण के बाद स्थायी कमीशन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बस प्रक्रिया को भी निर्णायक स्वरूप शीघ्र ही प्रदान किया जाएगा। वहीं इस पर जस्टिस एस के कोल के बेंच ने कहा कि हमें ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि सशस्त्र बलों ने खुद महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का फैसला किया है। अदालत ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अब एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दी थी। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं के लिए सेना में एंट्री का एकमात्र रास्ता शॉर्ट सर्विस कमीशन ही रहा है। शीघ्र अदालत ने सेना से महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन के लिए जाने को कहा था। यही नहीं, अदालत ने सेना के नियमों को गलत करार देते हुए कहा कि ये बेतुके और मनमाने हैं। वहीं आपको बता दें कि वकील कुश कालरा की ओर से महिलाओं को एनडीए और इंडियन नेवल एकेडमी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। फिलहाल इन दोनों एकेडमियों में महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर केंद्र से जवाब मांगा था।